टाइम इज़ अबाउट 9:30 और लगभग 9:20 के आसपास ये स्ट्रैंगल डाली थी। ठीक है, काफ़ी बड़ी स्ट्रैंगल अगर आप देखो, बट व्यू यही था। फ्राइडे है तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा प्रीमियम डीके मिलेगा। आज आरबीआई की कुछ मीटिंग भी है, दोनों अकाउंट में सेम, इसमें 1700 क्वांटिटी, इसमें 1800। टाइम इज़ अबाउट 9:40 और पोजिशन बंद। इस अकाउंट में 10,400, दूसरे अकाउंट में 3,800, तो लगभग 14,000 फॉर द डे। और सिर्फ एक ही रीज़न है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी थी वहाँ, बट उस पोजीशन में बचे सिर्फ 2 या 3 पॉइंट हैं। अब 2-3 पॉइंट के लिए मैं 1 पॉइंट का रिस्क लूँ या 2 पॉइंट का रिस्क लूँ, मुझे गामा मूव से भी डर है, फ्राइडे भी है, और इतनी जल्दी इतना डीके आ गया, बैठे रहना वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आप देखो मार्केट अगर अब यहाँ से तोड़ती है या फिर अपना एक डे हाई तोड़ती है, तो हम एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है जो कि मुझे परेशान करेगा मेरे ट्रेड को। और आज फ्राइडे है, वैसे ही मेरा मन नहीं था सुबह ट्रेड करने को, बट अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने ले ली, लेकिन बिल्कुल भी आज मेहनत करने को मन नहीं था। तो बस बंद करते हैं अपना, बढ़िया है यार, आधे आधे घंटे में 14,000 रुपये, कुछ बेकार नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.5% से ज़्यादा है इस अकाउंट में। तो दैट्स इट फॉर द डे और थैंक यू।